ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइलेंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तत्काल टिकट बुक करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपको पता भी होगा होली आने वाला है, तो होली के टाइम आप किस प्रकार तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं विदाउट सॉफ्टवेयर की बात करेंगे इसके बाद। अब फिर भी यहाँ पे आप पैसेंजर डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन भी पहले से आपको सेव रहेगा, सिर्फ आपके मोबाइल पे एक OTP आएंगे, OTP आपको फिल करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एक टेंशन भी आ चुका है मार्केट में। लेकिन यदि आप एक टेंशन से टिकट बुक करते हैं तो एक इनलीगल है, और इसके बाद एक टेंशन आपको परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने का मतलब उसके पैसे पे करना पड़ेगा, तभी आप अपने PC या लैपटॉप में एक टेंशन या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट एक टेंशन के आप किस प्रकार तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लाइव दिखाऊंगा। मैंने एक टिकट बुक किया था बिहार संबंध क्रांति में, और कैसे किया था, तो आप भी इस तरह से चाहे तो कर सकते हैं। और टिकट बुक करते समय क्या क्या मिस्टेक करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इसके बाद हमें सिंपल करना क्या है, गूगल क्रोम ओपन करना है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए डेस्कटॉप पे आपको कम से कम फाइल आपका हो, जो भी फाइल की आपको ज़रूरत है वही रखे, एक्स्ट्रा फाइल इस पर ना शो करे। इसके बाद सेकेंड में आपको सिंपल, सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जब भी ओपन करेंगे तो यानी तत्काल टिकट जब भी बुक करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है, 10 मिनट पहले आपको सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद सिंपल पहले यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे लोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर ब्राउजर डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखते फुल टाइम सेलेक्ट करने के बाद क्लियर डाटा कर लेना है, यानी कि आपको हिस्ट्री सबसे पहले आपको डिलीट करना है फर्स्ट में, और सेकेंड में आपको कोशिश करना है आपको डेस्कटॉप पर कम से कम फाइल हो। और थर्ड नंबर, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपको वाईफाई से कनेक्ट हो। आप लोग मोबाइल के डाटा से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका स्पीड जो होता है काफ़ी कम होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और तत्काल टिकट बुक करते समय कम से कम इसका स्पीड जो है 50 से 60 MBPS होना चाहिए। इसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद सिंपल मैं आपको करता क्या हूँ, सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा मैंने जो टिकट बुक किया हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा टिकट आप बुक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं IRCTC ओपन करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, देख सकते हैं जैसे IRCTC यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको IRCTC ने को क्लिक करना है। ये प्रोसेस जो करना है, जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होंगे AC या स्लीपर, यदि आपको 2 नाम टिकट है बुक करना है तो आपको 3 मिनट पहले लॉगिन करना है, और 3 से 4 नाम टिकट बुक करना है तो आपको 4 मिनट पहले लॉगिन करना है। क्योंकि यदि आप लैपटॉप से अगर टिकट बुक करेंगे तो लॉग आउट होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है फिलहाल में। अभी जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कोशिश करना आप लोगों को यही है, PC या लैपटॉप से ही टिकट बुक करें, क्योंकि आप मोबाइल से यदि टिकट बुक करेंगे तत्काल तो अभी इस पर हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लॉगिन करता है, मैं अब कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे आप कोशिश कीजिए आप लोग जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो 1 से 2 नाम ही बुक करें, क्योंकि ज़्यादा नाम बुक कीजिएगा तो आपको तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले मैं ये लॉगिन कर लेता हूँ, तो आपको 3 मिनट पहले लॉगिन करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद साइनिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपल माई अकाउंट पर जाना है, इसके बाद माई ट्रांजेक्शन, इसके बाद माई बुकिंग टिकट हिस्ट्री पर। सॉरी, इस समय बुकिंग नहीं दिखा रहे क्योंकि इस समय 8 बजने वाला है, और यहाँ पे ओपनिंग टिकट बुकिंग चालू हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ, लास्ट ट्रांजेक्शन तो दिखा ही देगा। हाँ, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कल के डेट में बुक किया था, स्वतंत्रता सेनानी स्पेशल न्यू दिल्ली से छपरा के लिए। देख सकते हैं PNR नंबर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर प्रीमियम तत्काल में देख सकते हैं, और ये कन्फर्म टिकट मैंने बुक किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पर सीट नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन मैंने एक और बिहार संबंध क्रांति की बात कर रहा था, लेकिन वो टिकट इस समय इस पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय जो है 8:05-8 हो चुका है, और इस समय ओपनिंग टिकट बुकिंग चालू है इसकी वजह से, तो क्योंकि 15-20 मिनट यहाँ पे हिस्ट्री पे नहीं आएगा। तो फिर भी आपको करना क्या, सबसे पहले फिर से मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। तो जब भी आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो आपको सिंपल 2 मिनट 3 मिनट पहले लॉगिन करना है। इसके बाद जहाँ से जहाँ जाना है तो सिंपल न्यू दिल्ली में सेलेक्ट करता हूँ, मुझे जाना रहता है ज़्यादातर तो मैं बुक करता हूँ, तो मुजफ्फरपुर के लिए टिकट बुक होता है, मुजफ्फरपुर के लिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम बिहार से आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रीमियम या तत्काल जो भी सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो जनरल सेलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेना है। मैं फिलहाल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ,
इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है तो आपको सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जो ट्रेन सेलेक्ट करना है किसी भी ट्रेन का सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। इसके बाद मान लो नाम आपको फिल करना है, तो मैं सोनू डालता हूँ, एज डालता हूँ, मेल फीमेल सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। एक तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो मोबाइल नंबर टाइप करके इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पे आपको बिहार मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस आपको कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बिहार जाना है तो बिहार यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, मैं एक कैश ये क्यों फिल करवा रहा हूँ इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। सिंपल इसे मैं बैक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो ये प्रोसेस जो करना है आपको, जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो एक मिनट पहले आपको ये प्रोसेस कंप्लीट यहाँ ये पेज पर आपको आ जाना है। जितने भी नाम फिल करना है नाम फिल करना है, इसके बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। फिर से आपको मैं एक बार बैक किया, इसके बाद आपको फिर से हमें एक बार बैक कर लेना है। फिर से हम होम पेज पे आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे आपको टाइम देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको जहाँ से जहाँ जाना है आपको फुल फिल करना है। फिर से मैं ऑलरेडी फिल कर लिया हूँ। आपको 11-12 तारीख के बुक करना है, सिंपल आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जनरल सेलेक्ट करना है, जब तत्काल में बुक करना चाह रहे हैं, प्रीमियम तत्काल में बुक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं तत्काल ही सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे ही 11:03 से 4 सेकेंड होता है तो यहाँ पे आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे इसका बुक नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जिस भी ट्रेन का आपको टिकट बुक करना है सिंपल ट्रेन सेलेक्ट करना है, इसके बाद बुक नाउ पर क्लिक करना है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पहले नाम क्यों फिल करवाया था देख सकते हैं। यहाँ पर नेम, एज, मेल फीमेल सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल फिल करने में आपको जो टाइम लग रहा है वो आपको बच जाएगा। नीचे की तरफ आना है और फटाफट आपको इसमें मोबाइल नंबर फिल करना है। तो देख सकते हैं मैं एक क्लिक में ही फिल कर लिया हूँ, क्योंकि जैसे हम इसमें फर्स्ट टाइम जो लॉगिन किए थे तो वहाँ पर मैंने फिल किया था। तो ऑटोमेटिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा नंबर आ जाएगा, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देख जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया हूँ तो पिन कोड बिहार मुजफ्फरपुर सब कुछ सेलेक्ट हो चुका है, सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको बिहार टाइप कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपको तत्काल टिकट बुक करेंगे तो इंश्योरेंस का आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। इसके बाद सिंपल कंटिन्यू कर देंगे। ज़्यादातर मैं जब तत्काल टिकट बुक करता हूँ तो यही तरीके इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि आपको पता है यदि आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, कभी सॉफ्टवेयर वर्क करता है कभी नहीं करता है, काफ़ी सारे एक टेंशन भी आ चुका है। तो आप एक्सटेंशन यूज करना चाह रहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इनलीगल है, एक्सटेंशन भूल के मत यूज कीजिएगा। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं मैं फाइनली पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका हूँ। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप वॉलेट ही यूज कीजिए, क्योंकि यदि नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो टाइम लग जाता है। इसके बाद पेटीएम सेलेक्ट करना है, इसके बाद पे एंड बुक पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे सिंपल आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट कर दिया, अगर हिस्ट्री डिलीट नहीं किया होता ना तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी पहले से ही सेव रहता है। इसके बाद सिंपल मोबाइल नंबर आपको कॉपी कर लेना है। सिंपल कॉपी कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जैसे मान लो मोबाइल नंबर मैं टाइप करता हूँ, सिंपल कर ली, इसके बाद कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस सी कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको कॉपी करके रखना है। जब भी आप बुक करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आपको पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल आपको कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम बच जाएगा। इसके बाद सिंपल प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे के OTP आ जाएंगे, OTP आपको फिल करना है, इसके बाद वेरीफाई करना है, इसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।